बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनकूल है कि बनी उमैया का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान जब मुल्के शाम में ताऊन की वबा फैली तो मौत के डर से घोड़े पर सवार होकर अपने शहर से भाग निकला और साथ में अपने ख़ास ग़ुलाम और कुछ फ़ौज भी ले ली। और वो ताऊन के डर से इस कदर खाइफ और हरासा था कि ज़मीन पर पांव नहीं रखता था बल्कि घोड़े की पुश्त पर सोता था। दौरान सफ़र एक रात उसको नींद नहीं आई तो उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि तुम मुझे कोई किस्सा सुनाओ। तो होशियार ग़ुलाम ने बादशाह को नसीहत करने का मौका पाकर ये किस्सा सुनाया कि एक लोमड़ी अपनी जान की हिफाजत के लिए एक शेर की खिदमत गुजारी किया करती थी तो कोई दरिंदा शेर की हैबत की वजह से लोमड़ी की तरफ देख नहीं सकता था और लोमड़ी नहायत ही बेखौफी और इत्मीनान से शेर के साथ ज़िंदगी बसर करती थी। अचानक एक दिन एक उकाब लोमड़ी पर झपटा तो लोमड़ी भागकर शेर के पास चली गई और शेर ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। उकाब दोबारा झपटा और लोमड़ी को शेर की पीठ पर से अपने चुंगल में दबाकर उड़ गया। लोमड़ी चिल्ला चिल्ला कर शेर से फरियाद करने लगी तो शेर ने कहा, ए लोमड़ी, मैं ज़मीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत कर सकता हूँ लेकिन आसमान की तरफ से हमला करने वालों से मैं तुझे नहीं बचा सकता। ये किस्सा सुनकर अब्दुल मलिक बादशाह को बड़ी इबरत हासिल हुई और उसकी समझ में आ गया कि मेरी फ़ौज उन दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है जो ज़मीन पर रहते हैं मगर जो बलाएं और वबाएं आसमान से मुझ पर हमला आवर हों उनसे मुझको ना तो मेरी बादशाही बचा सकती है ना मेरा ख़जाना और ना मेरा लश्कर मेरी हिफाजत कर सकता है। आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो बजुस खुदा के और कोई नहीं हो सकता। ये सोचकर अब्दुल मलिक बादशाह के दिल से ताऊन का खौफ जाता रहा और वो रिजाए इलाही पर राज़ी रहकर सुकून व इत्मीनान के साथ अपने शाही महल में रहने लगा।